मरने से पहले 15 साल की एक लड़की ने अपनी डायरी में ऐसा क्या लिखा जिसे करोड़ों लोगों ने 70 भाषाओं में पढ़ा था, जिसकी पहली किताब आज ही के दिन 25 जून को छपी थी। हिटलर की नाजी फौज के सैनिकों द्वारा पकड़े जाने के बाद एने फ्रैंक को उनके परिवार सहित कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, जहां पर उन्हें उनके माँ बाप से अलग कर दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप में गंदगी की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल गई थी। कंसंट्रेशन कैंप में लोगों से बहुत ज्यादा मजदूरी कराई जाती थी और अगर कोई सांस लेने के लिए रुक जाए तो उसे सीधी गोली मार दी जाती थी। गंदगी की वजह से कंसंट्रेशन कैंप में टाइफस नाम की एक बीमारी फैल गई, जिसने पहले एने फ्रैंक की बहन और बाद में उनकी जान ले ली। एने फ्रैंक के द्वारा लिखी गई डायरी को करोड़ों लोगों ने पढ़ा। भारत के स्कूलों में अंग्रेजी विषय में इस डायरी के कुछ पन्ने पढ़ाए जाते हैं।